मैंने यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा था और बाहर से ना इतनी ज़्यादा कॉल आ रही है। देखो अगर आपको सुनाई दे, ये देखो सुनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कॉल। ये देखो गाइस कितनी कॉल हो रही है, ये देखो यहाँ से इतनी ज़्यादा कॉल हो रही है नॉन स्टॉप यहाँ पे। अब मेरे पास टॉर्च नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखाता। अनलिमिटेड कॉल हो रही है यहाँ पे। मैं सोने चले गया था बट इतनी कॉल हुई तो मैंने कहा आप लोगों को सुनाता हूँ उसी। सो गाइस अभी देखना जहाँ पे मैं लाइट मारूंगा, ये देखो आँखें दिख रही हैं, जैसे कॉल हुई थी और वहाँ पे कोई बाहर है भाई, पकड़ लिया। सो गाइस टाइगर ने ना पकड़ लिया है, चू चू की आवाज़ आ रही है। सफारी करके आ गए एंड बहुत मज़ेदार सफारी रही है, आप लोगों ने देख ही लिया। जाके नहा धो लिया था, बहुत गंदा हुआ था। अब आ गया हूँ कैंटीन में, चाय पी लेता हूँ क्योंकि खाना फिर मैं ना 7:30 बजे आराम से खाऊंगा। अभी टाइम 6:35 हुआ है। मैं और वो महावत उधर गए ना गेट पे, तो वहाँ पे एलिफेंट वो जो उधर छोड़े थे वो शायद ऊपर आ गए। वो एलिफेंट और टाइगर की आवाजें आ रही थी, मतलब आमने सामने हो गए होंगे वो टाइगर की। कम अच्छा ढिकाला की एक बात है कि यहाँ पे ना पूरी रात आप आवाजें आती, जंगल जग जाता है। सो गाइस अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि 8:20 हो गया है और उसने कहा 8:40 के बाद एंट्री नहीं होगी, 9 बजे खाना बंद कर देता है। तो 9 बजे 9 बजने वाले हैं तो खाना खा के आते हैं विदाउट एनी डिले। तो चलो लेट्स गो। आप एक प्लेट में खाना खाना कैसे ले आते हो? क्या मेरे को आप लोग मिले ही नहीं? हाँ क्या हो सकता है? लोमड़ी, लोमड़ी है ना, देखो आ रही अंदर ना? लोमड़ी आ जाती है अंदर। और स्पॉटेड डी, अब स्पॉटेड डी नहीं आ सकता क्योंकि नई फेंसिंग लग गई। सो गाइस अभी डिनर किया है एंड डिनर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, खाना वाना बच जाए, एक चक्कर मारेंगे इस गेट से उस गेट तक जाएंगे। और आज का आपने सारा ब्लॉग देख ही लिया, बहुत मजा आया होगा 100% आप लोगों को क्योंकि जबरदस्त तो नहीं कहूँगा बट साइटिंग हुई, बहुत देर के लिए हुई। हाँ थोड़ा सा दूर था, पेड़ों में था बट जैसा भी था इट इज़ एडवेंचरस डे। पता क्या है कि कहाँ था मैं, इसने बुलवा दिया सुभाष ने, पता नहीं क्या पूछता रहता बीच बीच में। अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था कि जब से ये नई फेंसिंग लग गई है ना तो स्पॉटेड डियर्स तो आने कम हो गए, जिनकी वजह से जिनके पीछे पीछे टाइग्रेस जंप करके आ जाती थी। बट अब क्या हो रहा है सीन कि इनके नीचे से अभी भी लोमड़ी आ जाती है, जो छोटी वाली होती है ना, जो यहाँ पे जो लोग ढिकाला आते हैं उनको पता है कि ये पीछे वाले गेट के जस्ट पास में सुबह सुबह आप देखोगे तो बहुत सारी लोमड़ी होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके नीचे से आ जाती हैं, ठीक है। और ये देखो ये लाइट को जल बुझ रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें करंट है, ठीक है। ये जगह है जिसमें से लोमड़ी अंदर से आ जाती है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें से लोमड़ी निकल के आ जाती है, इसमें से आती है। हाँ बट जो स्पॉटेड डियर है वो अब अंदर नहीं आते। वो रहा भाई देखो स्पॉटेड डियर दो दो हैं देखो। और पहले क्या होता था जब ये फेंसिंग नहीं थी ना, ये वाली नहीं थी, पुरानी थी, तो सारे स्पॉटेड डियर अंदर आ जाते थे और उनके पीछे पीछे टाइग्रेस आ जाती थी। बट अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वुल्फ आती। ये देखो मैन वर्सेस वाइल्ड का देखे नहीं छोड़ के, ये देखना क्या क्या गंद काम कर रहा है, गीला हो रहा ना थोड़ा सा, जा पूछ ले उसको। उसको मूत्र भी गाइस इसके हाल देखे आपने, उल्टे काम कर रहा है। हाथी का गोबर उठाने में मजा आता है भाई, गाय भैंस को तो सब उठाते हैं। क्या देखो, हाँ तो लोमड़ी है, डियर तो देख रहे हैं, मुझे लोमड़ी देखनी है। लोमड़ी क्या देखी नहीं? वो देखो लोमड़ी है, बराबर है। मैं भाग के जाता हूँ। नहीं 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 अच्छा नहीं, जाने दो वो पहले भाग जाएगी। हाँ जा पहुंच जा, जल्दी जा, जल्दी रुकना नहीं, जल्दी। सो गाइस अभी देखना जहाँ पे मैं लाइट मारूंगा, ये देखो आंखें दिख रही है अंदर। पता है क्यों आ जाते हैं? टाइगर के डर से अंदर आ जाते हैं। पहले जब ये फेंसिंग नहीं थी ना, अरे 50 देख लो अंदर, हाँ तब वो इतने होते थे, पर ये अब जब से फेंसिंग लग गई ना
अपने मैं जो रूम में रुका ना अभी अपन जा रूम में हाँ। उसकी पीछे की खिड़की में से मैंने 500 देखा। हाँ बहुत आते थे झुंड का झुंड इधर ओल्ड FRH से कभी यहाँ भाग रहा है कभी यहाँ भाग रहा है। जहाँ पे पिक्चर दिखाते वहाँ पे चले जाते थे शाम को। ना कैंपस के अंदर एक छोटी सी नाइट वॉक कर रहे हैं और एनिमल्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाए। ये जब से नई वाली फेंसिंग लग गई है ना तो स्पॉटेड डियर्स का तो आना बिल्कुल कम हो गया। लोमड़ी हैं जो अंदर आ रही हैं। अब एक बार ना हम वो MP थिएटर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी साइटिंग होती है तो एक बार वहाँ जाके आते हैं। मुड़ के नहीं देखना इधर से आवाज़ आ रही है कुछ आओ तो पहुँच गया था गेट तक उधर से ना किसी जानवर की हाथी है। हाथी का कोई चक्कर नहीं है। बीवी बच्चे हमारे नहीं है। नहीं मेरे तो है बच्चे नहीं है मेरे बच्चे भी नहीं है कोई टोकेगा नहीं। सुनो तुम्हारे भी बच्चे हैं और कोई भागेगा नहीं उसे उसकी मम्मी की कसम है। हाँ सबको निकल जाएगी मेरी सबको मम्मी की कसम है। आ जाओ MP थिएटर बनने लग रहा भाई। A few moments later. Guys, हम लोग वॉक करके आ गए थे कमरे में बट जैसे ही गेट खोला तो सांबर डियर की या स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही थी तो फिर सुभाष ने कहा कि भाई आ जाओ एक बार। तो फिर अब दोबारा से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से कॉल हुई थी और वहाँ पे कोई बाहर है वही लोग हैं वही लोग देख रहे हैं कॉल हो रही है ना। नहीं नहीं फॉरेस्ट वाले मामा थे। सो गाइस यहाँ पे ना कॉल हो रही है तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स सी वैसे पता है अंधेरे में कुछ दिखेगा तो नहीं बट इट्स नहीं फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्पॉटेड डियर बैठे हुए थे तो शायद ना टाइगर की मूवमेंट है उसकी वजह से कॉल हो रही। क्या वो घर की लाइट जल रही है कोई आदमी था वो आदमी था वो तो कोई टॉर्च ले गए। तो हम लोग जा रहे हैं और टाइम अभी कितना हो गया 9:30 हो गए 9:45 हो गए। दो चार मिनट देखते हैं फिर जाके सो जाएंगे। ये भी वोरा वोरा उधर है उधर कौन है जाने कौन है। अरे करंट की लाइट है मेरे भाई। नहीं नहीं, नहीं करंट की नहीं है कोई है कोई है हैं किधर गया किधर हैं मेन रोड पे गेट से दिख सकता है। गेट से थोड़ी दिखेगा अब इस टाइम। अच्छा उस तरफ थी क्या कॉल वो पिछले साल वो पार वाली आ जाती तभी तो फेंसिंग बड़ी की है। अब इसकी वजह से पता चाचा स्पॉटेड डियर भी नहीं आ रहे अंदर नहीं आ रहे हैं आ जाते कूद के ऊपर से ऊपर से ऊपर से आते हैं। दो चार तो उधर बैठे हैं देखे हमने। सो गाइस हम जिस कॉल को सुन के आए थे वो तो चाचा ने बताया कि मेन गेट के उस तरफ उसकी मूवमेंट है टाइगर की। तो अब जाके सोते हैं अब कल सुबह देखेंगे जो कुछ होगा। और हो सकता है कि कल जो चाचा हैं उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कल। चाचा गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। तो कल चाचा के पूरी जिंदगी की स्टोरी बताएंगे 43 इयर्स इन्होंने यहाँ पे निकाल दिए। 43 इयर्स हाँ चलो बहुत बढ़िया। मैं सोने की तैयारी कर रहा था और बाहर से ना इतनी ज्यादा कॉल आ रही है देखो अगर आपको सुनाई दे ये देखो ये देखो सुनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कॉल। ये देखो गाइस कितनी कॉल हो रही है ये देखो यहाँ से सुन रहा है सी कितनी कॉल हो रही है। देखो नॉन स्टॉप कॉल हो जा रही है कॉल हो जा रही है पक्का यहाँ पे टाइगर है। देखो देखो
दिस इज गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ निकाला। देख रहे हो कितनी कॉल हो रही है। इतनी ज़्यादा कॉल हो रही है नॉन स्टॉप यहाँ पे। अब मेरे पास टॉर्च नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखाता। अनलिमिटेड कॉल हो रही है यहाँ पे। मैं सोने चले गया था बट इतनी कॉल हुई तो मैंने कहा आप लोगों को सुनाता हूँ। सी देख रहे हो हद से ज़्यादा कॉलिंग है। सुभाष हाँ, कई देर से हो रही है। इधर आ इधर, कॉल तो पिछले 20 मिनट से हो रही है नॉन स्टॉप। टॉर्च दे। डेक पे कॉलिंग है और टाइगर है इधर पे, 20 मिनट से हो रही है। दे हाँ। तो गाइस मैं कमरे में चल गया था नहाने के लिए, नहाने नहीं सॉरी सोने के लिए, पर इतनी तगड़ी यहाँ पे कॉलिंग हो रही थी कि मैं वापस आया हूँ आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पकड़ लिया। सो गाइस टाइगर ने ना पकड़ लिया है। चूं चूं की आवाज़ आ रही है, अंधेरा, एक तो इतना कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या दिखो है। चल चल हो गया, किल हो गया। पैर भी मार रही है। हाँ इनको ना स्मेल आ गई है। कुछ देख लिया अगर बैठा है। रात को दिखता है इनको बहुत अच्छा। हिरन को थोड़ी अच्छा दिखता है। स्पेशल ज्ञान उधर पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्यों निकाला इतना तगड़ा है। देखा आप लोगों ने, जस्ट रूम के बाहर ही कॉल हो रही थी और बेसमेंट उसके नीचे वहाँ पे टाइगर ने टाइगर जो है वो किल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब सो जाते हैं यार, अब बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉल वॉल चलती रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और बॉडी में भी दर्द हो रहा है जिप्सी में बैठ बैठ के, और पाल देखो कैसे हो गए। तो अब सुबह नहाएंगे धोएंगे और फिर सफारी पे जाएंगे। और अगर पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं जिनमें टाइगर की साइटिंग हुई और एलिफेंट जिसमें अटैकिंग मोड पे चले गया था, तो अगर वो नहीं देखा है तो वो एंड स्क्रीन में आ रहे होंगे या यहाँ भी डाल दूंगा। सो गाइस आज का ब्लॉग करता हूँ एंड। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर एंड बाय बाय।